भारत समाचार की पत्रकार प्रज्ञा मिश्रा जो अपने कटिंग चाय को लेकर लगातार सुर्खियों में रहती हैं और काफ़ी निडर पत्रकारिता करती हैं और उनकी निडर पत्रकारिता के लिए ही उनको जाना जाता है। अब सोशल मीडिया पर उनके बारे में एक खबर काफ़ी तेज़ी से फैल रही है कि उनका मर्डर हो गया है और मर्डर किसने किया ये बात पता नहीं चल रही। बाकायदा 4 फ़ोटो भी फैलाए जा रहे हैं जिसमें एक फ़ोटो में प्रज्ञा मिश्रा एक सूट में खड़ी हैं, दूसरे फ़ोटो में भी प्रज्ञा मिश्रा है लेकिन फिर एक डेड बॉडी दिखाई जा रही है जिसने कपड़े तो कुछ वैसे ही पहने हुए हैं, उनको प्रज्ञा मिश्रा बताया जा रहा है काफी दूर से। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं ये डेड बॉडी प्रज्ञा मिश्रा की नहीं है, ये किसी और की है। खुद प्रज्ञा मिश्रा ने भी ये बात कंफर्म कर दिया जब उनके पास तक ये खबर पहुंची और इसके बाद लोगों ने उन वेबसाइट्स को लताड़ लगाई है जो इस तरह की खबरें फैला रहे थे कि प्रज्ञा मिश्रा की डेथ हो गई है, प्रज्ञा मिश्रा पर किसी ने जानलेवा हमला कर दिया है और तो और ये तक कहना शुरू कर दिया गया था कि सरकार यूपी सरकार प्रज्ञा मिश्रा की रिपोर्टिंग से नाराज़ रहती थी क्योंकि वो लगातार यूपी सरकार के खिलाफ रिपोर्टिंग कर रही थी और हकीकत जनता के सामने ला रही थी, तो शायद सरकार के ही किसी नेता ने ऐसा किया हो। जबकि हकीकत ये है कि लखनऊ में वो रहती हैं, लखनऊ में कोविड प्रोटोकॉल इस वक्त बेहद सख्त हैं और लोग खुद भी घर से बाहर नहीं जाना चाहते लखनऊ में, जो लखनऊ के हालात हो चुके हैं इस वक्त कोविड की वजह से कि अस्पतालों में बेड नहीं, अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं और शमशान में भी जगह नहीं मिल पा रही है, इतनी भीड़ लगी हुई है इन 3 जगहों पर। और यही कारण है कि इस वक्त प्रज्ञा मिश्रा अपने घर पर ही हैं और उन्होंने अपने घर पर ही रहना कुछ दिन के लिए उचित समझा है, तो वो अपनी मर्जी से अपने घर हैं। इसके बावजूद ये कह देना कि प्रज्ञा मिश्रा की डेथ हो गई ये बहुत इर्रिस्पॉन्सिबल चीज़ें हैं, किसी के बारे में इस तरह की अफवाहें फैलाना और अफवाहें इतनी फैल जाएं कि खुद उस शख्स को आकर सामने कहना पड़े कि ये मैं नहीं हूँ, मैं तो कोविड प्रोटोकॉल की वजह से अपने घर पर हूँ, घर पर सुरक्षित हूँ, आप सभी भी सुरक्षित रहें। और कुछ वेबसाइट ऐसी हैं जिनका अगर धंधा नहीं चलता तो वो इस तरह की खबरें छाप देते हैं ताकि उनकी वेबसाइट को लगातार शेयर मेरे लें उस खबर को और उनकी वेबसाइट पर इंप्रेशन आए और इंप्रेशन के बाद क्लिक भी आए और क्लिक के बाद उनको कुछ पैसा मिले। और यही है कुछ वेबसाइट्स इस तरह का गोरख धंधा करती रहती हैं जो दूसरों की मौत की फर्जी अफवाहें उड़ाती रहती हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह की वाहियात खबरें, वाहियात अफवाहें कोई ना उड़ाए ना ही कोई फैलाए क्योंकि इससे उस शख्स से जुड़े हुए लोगों पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। प्रज्ञा मिश्रा को लगातार ट्वीट करके लोग 2 दिन से हालचाल पूछ रहे थे कि आप सही हैं क्या, और फिर उनका ट्वीट भी नहीं आया था, वो दिखाई भी नहीं दे रही थी फील्ड पर, तो लोग काफ़ी चिंतित हो गए जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनकी रिपोर्टिंग को पसंद करते हैं कि कहीं सच में ही प्रज्ञा मिश्रा के साथ ये वारदात तो नहीं हो गई कि किसी ने उनका मर्डर कर दिया है। अब प्रज्ञा मिश्रा ने खुद आकर पूरी स्थिति क्लियर कर दिया, पूरी सिचुएशन क्लियर कर दिया है, तो जो भी लोग इसको व्हाट्सएप पर अभी भी फॉरवर्ड कर रहे हैं उनको समझ जाने की ज़रूरत है। व्हाट्सएप पर आने वाली हर चीज़ खबर नहीं होती, ये बात देश के लोगों को 3-4 साल से तरह तरह के लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अफसोस ये बात अभी तक बहुत कम लोगों के समझ में आई है। और व्हाट्सएप पर किसी भी फोटो के साथ कोई भी कुछ भी लिख कर भेज दे उसी को खबर मान लिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, मैं चीनू दहिया फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए द चौधरी के साथ। जय माता दी।